इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। वह आंखों का डॉक्टर है। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। वह आंखों का डॉक्टर है। उसने ऊंची कूद में रिकॉर्ड कायम किया है। ही हैज Set a record in high jump. He has set a record in high jump. उसने ऊंची कूद में रिकॉर्ड कायम किया है। आलसी आदमी अधमरे के समान है। An idle man is a good as half dead. An idle man is a good as half dead. आलसी आदमी अधमरे के समान है। वह मेरे सामने खड़ा था। He was standing in front of me. He was standing in front of me. वह मेरे सामने खड़ा था। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। It was not your fault. It was not your fault. यह तुम्हारी गलती नहीं थी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। He is run down in health. He is run down in health. उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सकी। I could not study anything today. I could not study anything today. आज मैं कुछ नहीं पढ़ सकी। क्या तुमने कुछ कहा? Did you say something? Did you say something? क्या तुमने कुछ कहा? मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। I have hurt my big toe. I have hurt my big toe. मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। अधिक बारिश में छाता भी काम नहीं आता। Even an umbrella is useless in heavy rain. Even an umbrella is useless in heavy rain. अधिक बारिश में छाता भी काम नहीं आता। तेज हवा के कारण दिया बुझ जाएगा। The lamp will blow off because of strong wind. The lamp will blow off because of strong wind. तेज हवा के कारण दिया बुझ जाएगा। इसे अंदर ही रहने दो। Let it remain inside. Let it remain inside. इसे अंदर ही रहने दो। क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है? Can you wield a लाठी? Can you wield a लाठी? क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है? क्या तुम्हारे स्कूल में व्यायाम सिखाते हैं? Do they teach you exercise in your school? Do they teach you exercise in your school? क्या तुम्हारे स्कूल में व्यायाम सिखाते हैं? ज्यादा दिखावा मत करो। Don't show off too much. Don't show off too much. ज्यादा दिखावा मत करो। मासूम मत बनो। Don't be innocent. Don't be innocent. मासूम मत बनो। हमारे स्कूल का खेलने का मैदान काफी बड़ा है। Our school has a big playground. Our school has a big playground. हमारे स्कूल का खेलने का मैदान काफी बड़ा है। क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? Can you read the thermometer? Can you read the thermometer? क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? मुझे और पास से देखने दो। Let me take a closer look. Let me take a closer look. मुझे और पास से देखने दो। आपके भाई को कब से बुखार है? How long has your brother been down with fever? How long has your brother been down with fever? आपके भाई को कब से बुखार है? जल्दी से तैयार हो जाओ। Get ready soon. Get ready soon. जल्दी से तैयार हो जाओ। यहाँ से चले जाओ। Go away from here. Go away from here. यहाँ से चले जाओ। मुझे वहाँ ले चलो। Take me there. Take me there. मुझे वहाँ ले चलो। क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? May I know her name? May I know her name? क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? वह मुझसे एक साल पीछे है। He is junior to me by 1 year. He is junior to me by 1 year. वह मुझसे एक साल पीछे है। जैसा हम परिश्रम करेंगे
वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। As we labor, so shall we be rewarded. As we labor, so shall we be rewarded. जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। या आप इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं, Our reward will depend on our labor. Our reward will depend on our labor. तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? How are you getting on with your studies? How are you getting on with your studies? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आपके पास उसका नंबर है? Do you have his number? Do you have his number? क्या आपके पास उसका नंबर है? मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। I am very afraid of ghosts. I am very afraid of ghosts. मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मामला गंभीर हो चुका है। The matter has become serious. The matter has become serious. मामला गंभीर हो चुका है। उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। His eyes are sore and watering. His eyes are sore and watering. उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। चलते चलते उसके पैर में सूजन आ गई। His feet are swollen because of walking. His feet are swollen because of walking. चलते चलते उसके पैर में सूजन आ गई। डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम ना कर सका। The doctor could not diagnose his disease. The doctor could not diagnose his disease. डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम ना कर सका। तुम वहां क्यों छिप रहे हो? Why are you hiding there? Why are you hiding there? तुम वहां क्यों छिप रहे हो? मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। I am telling you something. I am telling you something. मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। यह दवा आपके बुखार को उतार देगी। This medicine will bring your fever down. This medicine will bring your fever down. यह दवा आपके बुखार को उतार देगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। I don't have any option. I don't have any option. मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। खाली दिमाग शैतान की दुकान है। An idle mind is a devil's workshop. An idle mind is a devil's workshop. खाली दिमाग शैतान की दुकान है। जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए है। Life is for others' service. Life is for others' service. जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए है। मेरे कपड़े धोबी के पास गए हैं। My clothes have gone to the laundry. My clothes have gone to the laundry. मेरे कपड़े धोबी के पास गए हैं। मैंने पिछली रात बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ी। I read a very interesting book last night. I read a very interesting book last night. मैंने पिछली रात बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ी। मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। I had no time to finish my work. I had no time to finish my work. मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। पुस्तक अभी आपके पास ही रहने दो। Keep the book with you for the present. Keep the book with you for the present. पुस्तक अभी आपके पास ही रहने दो। तुम वापस कब आ रहे हो? When are you coming back? When are you coming back? तुम वापस कब आ रहे हो? क्या आप यहाँ काम करना चाहेंगे? Would you like to work here? Would you like to work here? क्या आप यहाँ काम करना चाहेंगे? वहाँ कितने लोग हैं? How many people are there? How many people are there? वहाँ कितने लोग हैं? वह अमेरिका में पढ़ाई करेगी। She will study in America. She will study in America. वह अमेरिका में पढ़ाई करेगी। वह इस साल परीक्षा में नहीं बैठेगी। She is dropping out of the examination this year. She is dropping out of the examination this year.
वह इस साल परीक्षा में नहीं बैठेगी। मुझसे इस तरह से बात मत करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। मुझसे इस तरह से बात मत करो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। तुम इससे बच नहीं सकते। हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। अवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो। अवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो। हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। वह अक्सर स्कूल से भाग जाती है। शी ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। शी ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। वह अक्सर स्कूल से भाग जाती है। वह मेरे बगल में रहती है। शी लिव्स नेक्स्ट टू मी। शी लिव्स नेक्स्ट टू मी। वह मेरे बगल में रहती है। अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। एक्सरसाइज इज अ पेनेसिया फॉर ऑल डिजीजेस। एक्सरसाइज इज अ पेनेसिया फॉर ऑल डिजीजेस। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है।